नमस्कार दोस्तों, सेल्फ हेल्प चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे एक ही पौधे के बारे में, जिसे आप बचपन से जानते हैं। बचपन में आपने इस पौधे के फल बहुत खाए हैं, लेकिन अब जिंदगी की दौड़ भाग के कारण आप इसको खा नहीं पाते हैं। उसी से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। जी हाँ साथियों, यह है आपका जो संस्कृत में इसको हम गुड़ फल, व्रत फल या स्वादु फल के नाम से जानते हैं, और इसका वनस्पतिक नाम जो आपका है जिजीपस मोरिसेना है और रेमनेसी प्रजाति का है। इसे हिंदी में हम बेर के नाम से जानते हैं और लोग इसको देसी बेर के नाम से भी कहते हैं। तो ये मेरे हाथ में है, देखिए एकदम से कच्चा है, तो ये हरा है। इसको अंगूरिया बेर, अंगूर जैसा ही होता है, इसलिए अंगूरिया बेर रहता है कहते हैं, और देसी बेर भी कहते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, लेकिन पकने के बाद, देखिए ये पकने के बाद आपका क्या है, एकदम से लाल या भूरे रंग का हो जाता है। इस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपका बेर ये, और इसको खाने पर बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इस प्रकार से इसमें से मजा निकलता है, ये बहुत ही आनंददायी होता है। देखिए साथियों, ये आपका जो बेर है, जो विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है, ये नींबू संतरा के जगह इसको खाते हैं तो बहुत फायदा, इसे विटामिन सी ज़्यादा मिलता है। ये जो है इसमें विटामिन सी नींबू और संतरा से 20% अधिक पाया जाता है। साथियों, इस बेर के अंदर आपके फाइबर्स बहुत पाए जाते हैं, इस फाइबर की वजह से इसको हम खाते हैं, अधिक समय तक पेट भरा रहता है। इस कारण वेट लूज करने में भी ये बहुत ही सहायक है। जिन लोगों को डायबिटीज है वो इसको खा सकते हैं, प्रेगनेंट औरतें इनको खा सकती है, ये उनके लिए बहुत ही फायदा पहुंचाता है। इसके अंदर आयरन की मात्रा होती है, फॉस्फोरस की मात्रा होती है, इसलिए इसको अगर खाते हैं तो खून की कमी भी पूर्ति पूरी करता है, और फॉस्फोरस होने की वजह से जोड़ों का जो दर्द होता है वो इसे, अपना जॉइंट पेन जिसे आप कहते हैं, वो इसे ठीक होता है। ठीक है साथी, ये अंगूरिया बेर या देसी बेर हमारे बहुत ही काम का है। इसके अलावा देखिए साथी, इसकी पत्तियाँ जो है वो भी हमारी बहुत काम की है। ये जैसे ये पत्तियाँ हैं, अगर किसी को नक्सीर आ जाती है ना, बार बार नक्सीर आती है, तो उस नक्सीर के वक्त क्या करना है, इस पत्तियों को आप खरल में या कूट पीट कर इसका लेप बनाना है, और यहाँ पर कन पट्टी पे लगा देना है। इससे आपका जो नक्सीर बंद हो जाता है। कभी कभी माताओं बहनों को प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी होने के बाद, क्या बच्चों के दूध नहीं आता है, बच्चे भूख से तड़पते हैं, उस समय में अगर हम इस बेर की, ये बेर जो है मेरे सामने, इसकी मूल यानी इसकी जड़ को हम उसको चबा चबा कर खिलाए हैं, तो 5-7 दिनों के अंदर उसमें दूध की वृद्धि होने लगती है, बच्चा तृप्त तो हो जाता है। इसलिए साथियों, इसके पत्ते, इसके फल और इसकी पत्तियां सभी बहुत ही काम की चीज है। साथियों, इसका मूल है या जो बेर है, ये बेर इसका जो छिलका है उसको कूट कर, या मूल को या जड़ होती है उसको कूट पीट कर घाव पे लगाते हैं तो घाव बहुत जल्दी भर जाता है। इसके अलावा कुछ घाव ऐसे होते हैं जो भरने का नाम लेते हैं, जिसे हम नासूर कहते हैं, उसमें भी अगर हम इनका मूल का यानी इसकी जड़ का लेप लगाते हैं, नासूर बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक साथियों, ये आपके पत्ते हैं, इसके इसका रस बनाकर अगर हम पीते हैं गुड़, तो अपना जो दस्त है, दस्त जो होती है तीसरे से अपन कहते हैं, वो एकदम से ठीक हो जाता है। सुबह, दिन में और शाम को एक एक कप अगर पी लेते हैं रस, तो अपना ठीक हो जाता है। इसी के अंदर अगर आप इसी जूस के अंदर, इसके जूस में सेंधा नमक डालकर पी लेते हैं, तो आपका जो तेज ज्वर, तेज बुखार जो होता है वो एकदम से ठीक हो जाता है। मैं भी बड़े दिनों के बाद खेत पे आया है, बड़ा ही आनंद अनुभूति कर रहा हूँ कि ये बेर आज मुझे खाने को मिल रहे हैं, और मैं आपके लिए एक वीडियो भी बना रहा हूँ। साथियों, ये इस पर आपका एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि लाइक का कोई पैसा नहीं मिलता है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाता रहूं। तो साथियों, सूखे बेर जो है यहाँ पे पड़े हुए, यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, इनकी चटनी बनाकर अगर हम खाते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम है। इससे आपका हाजमा ठीक होता है और ये रुचिकर होता है, ये आपका बदहजमी को ठीक कर देता है और भूख को बढ़ा देता है। इसलिए साथियों, हमें इसका सेवन करते रहना चाहिए। इसके अलावा साथियों, इसकी पेट में कभी कभी जलन होती है, उस जलन के लिए को ठीक करने के लिए ये जो सूखे बेर आप देख रहे हैं, इन बेरों के चूर्ण में आप गुड़ मिलाकर खाते हैं तो आपकी जलन ठीक हो जाता है।
तो साथियों, अगर आपके पास बेल का पौधा है, आपके सर बहुत दर्द करता है, तो आप क्या करें, बेल की छाल को पीस कर या कूट कर ललाट पे लगाते हैं, उसे आपका सर दर्द भी ठीक हो जाता है। साथ ही ये बेल जो होता है आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये अधिक कोशिकाओं की वृद्धि को रोक देता है, इसलिए ये कैंसर को रोकने में भी सहायक होता है, इसलिए साथियों इसका सेवन करना चाहिए हमें। इसके साथ बेल की गुठली जो होती है, गुठली के मजा को गुड़ के साथ पीस कर खाने से विदेह विकार होता है, वो आपके शारीरिक दोष है वो एकदम से ठीक हो जाता है। इन बेर को खाने से जिनको अस्थमा है, कफ बहुत आता है और अस्थमा श्वास चढ़ता है, वो लोग इस बेर का सेवन करें, काली मिर्च के साथ इसके चूर्ण में मिलाकर खाएं, तो उसके शरीर को ठंडक भी पहुंचती है और अस्थमा भी ठीक हो जाता है। बेर के कोमल पत्तों को पीस कर इसके साथ गुलर के पत्ते मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा। दोनों को पीस कर हम, अगर हमारे बिच्छू काट जाता है, जहरीला जानवर जहरीला होता है बिच्छू काट जाता है, उस स्थान पे लगाते हैं तो उस काटने की जलन जो है एकदम से ठीक हो जाती है। इसी प्रकार अगर आपके मूत्र त्याग मूत्र विसर्जन में आपको दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो इसके पत्तों को पीस कर लेप बनाकर अगर आप नाभि के नीचे लगाते हैं तो असहनीय पीड़ा वेदना जो आपकी ख़त्म हो जाती। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह की नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।